बिहार विधानसभा में जातीय सर्वे की आर्थिक एवं सामाजिक आंकड़े से संबंधित रिपोर्ट मंगलवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश होने की बात सोमवार को कही गई थी। इसके बाद इसे पेश किया गया है। बता दें कि मंगलवार को दोनों सदनों में भोजनावकाश के पहले जातीय सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस मामले में जानकारी भी दी थी। जब हमारी सरकार और हम लोग जब गठबंधन में थे तभी ये निर्णय हुआ था। ये स्वागत योग्य है और इस पर जो भी चर्चा होगी तो हमारे लीडर जो है आज उसका जवाब देंगे। लेकिन कई विधायक जो है ये लगातार मांग कर रहे हैं कि जो ईडब्ल्यूएस जो मिला है, जो 10% आरक्षण जो मिला है सवर्णों को, उसको खत्म किया जाए। लगातार विधायक है वो नहीं, वो तो केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र ने दिया है, तो वो ख़त्म करने का कहाँ सवाल उठता है। और जब सभी को आरक्षण मिल ही रहा है तो ईडब्ल्यूएस को मिला है तो इसमें कौन सा अपराध हुआ है। लेकिन मेरा आग्रह होगा कि चूंकि आप वेबसाइट पर डाटा को लोड करिए और उसमें सर्च और ऐड ऑप्शन होना चाहिए, ताकि जो जनता कंप्लेन आ रहा है कि हम लोग का छूट गया, जो नहीं थे बाहर गए हैं, निश्चित तौर पर अगर वेबसाइट पर वो डाउनलोड हो जाता है और उसके बाद उसमें सर्च ऑप्शन और ऐड ऑप्शन होता है तो आप लोग जो भी छूटे हुए अपना डाल सकते हैं। ये हम लोग आग्रह कर रहे हैं इसमें। लेकिन जाति जनगणना बहुत अच्छी चीज़ है, उससे पता चलता है कौन लोग किस जाति के हैं, कौन गरीब हैं, इसलिए वो अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत लोग छूटे हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर फिर से उसको जोड़ने की जरूरत है। कहा था कि जाति जनगणना के बाद आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, वही हम देख रहे हैं कि आर्थिक जिम्मेदार कौन है। नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण भी रखना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि इसमें जो गरीब लोग हैं उस जाति में उनको मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। निश्चित तौर पर आर्थिक सर्वे भी रखना चाहिए। उनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो दोषी कौन होगा? नहीं, दोषी कोई नहीं है। देखिए, बिहार एक गरीब राज्य है, दोषी कोई नहीं होता। उन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं है काम नहीं किया, आप भी जानते हैं। पिछड़ापन तो हमको ऐतिहासिक तौर पर मिला है। जातिगत जनगणना आया तो समझ में आया कि केंद्र सरकार ने इतना साजिश किया है कि 10% लोगों को 100% आरक्षण दे दिया है। ये तो बात समझ में आई, तो देश में तो एक नया चर्चा शुरू हुआ है ना भाई। इसीलिए सुन लीजिए, इसीलिए भाजपा को दिक्कत हो रहा है, अमित शाह को बेचैनी हो रहा है, क्योंकि वो अंदर से जो कर रहे थे, बाहर दलित चेहरा, मोदी जी का चेहरा अति पिछड़ा दिखा रहे थे, अंदर रिजर्वेशन जब देना हुआ तो ईडब्ल्यूएस के नाम पर 100% स्वर्ण जाति को आरक्षण दे दिया। तो ये तो स्पष्ट हो गया, आर्थिक सर्वे आ रहा है। आपको पता चलेगा, जातिगत जनगणना पर हंगामा करने वालों को आर्थिक सर्वेक्षण आने के बाद पता चलेगा कि कितनी जमीनों पर कितने लोगों का कब्जा है और कितने संसाधन पर कितना कब्जा है। एनडीए सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी, जातीय गणना के संबंध में प्रधानमंत्री जी से विमर्श किया था और कैबिनेट में हम सबों ने पारित भी किया था कि पूरे बिहार में जातीय सर्वेक्षण हो और उस आधार पर उनकी जो आर्थिक और सामाजिक हालात है उसको बदलने के लिए हम सब पहल करें। और वह प्रतिवेदन आज पेश होने जा रहा है, उस पर विमर्श होगा। लेकिन पूर्व में जो सामान्य प्रशासन विभाग ने जो प्रतिवेदन लोगों प्रेस के सामने रखा था या पब्लिक डोमेन में रखा था, उसमें उसके बाद जो अलग अलग सामाजिक वर्ग की प्रक्रियाएँ आई हैं, तो उसमें सर्वेक्षण को और बेहतर ढंग से करना, कई सामाजिक वर्गों ने आपत्ति जताई कि हमारे सामाजिक वर्ग के की संख्या को कमतर किया गया है, ये सारी बातें लोगों ने आम तौर पर कही है, उन सारी चीजों को हम सब देखे। आरक्षण की दायरा बढ़ाने की भी बात हो रही है। नहीं, आरक्षण का दायरा बढ़ेगा तो हम लोग साथ हैं। हम लोग तो ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। नहीं, वो कैसे खत्म होगा? जो उनका अधिकार दिया हुआ है वो अधिकार को संरक्षित करने का लोग। सर, आर्थिक सर्वेक्षण के बाद कई सारे लोग होंगे और जातियां होंगी जो कम होंगी, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 17 सालों से 20 साल से नहीं, देखिए आप तो जानते ही हैं, जब जब ये महागठबंधन के साथ होते हैं तब तक इन्हें सिर्फ अपने पद की चिंता रहती है, राज्य की चिंता कम होती है। इस ऐतिहासिक दिन में जिसके लिए बड़ी कोशिशें हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, और ये सिलसिला शुरू हुआ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के वक्त से, आज के बाद इतिहास करवट लेगा। और वो करवट मैं समझता हूँ किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 90 बड़ा या 10, अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि 90 बड़ा या 10, आप क्या कहेंगे? 90। लेकिन 10 को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी 90 की स्वीकारोक्ति में, उसके बढ़ाव में, उसकी बुनावट में वो 10 भी आएगा
और सामाजिक न्याय के लिए एक नया द्वार खुल रहा है। इस द्वार का आप सब भी स्वागत करें। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।